हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक और शॉर्ट रिव्यू इनजस्टिस कोड अमंग अस गेम का जो है अल्टीमेट एडिशन। और ये शॉर्ट रिव्यू है तो गेम प्ले नहीं होगा, और चाहो तो देख सकते हो उसको पहले छोटी सी वीडियो बना रखी है। तो इस गेम में काफ़ी अच्छी है, मतलब ये गेम असल में क्रॉस ओवर है, एक सेकेंड क्रॉस ओवर है मॉडल कॉम्बैक और DC का, यानी DC यूनिवर्स का। तो इसी वजह से इस गेम में भले ही मॉडल कॉम्बैक का सिर्फ एक ही करेक्टर है, पर इसमें फाइटिंग और बाकी स्पेशल मूव जो मॉडल कॉम्बैक गेम्स के हिसाब से वैसे यूज़ किया गया है, उसमें DC की मतलब फाइटिंग गेम एक तरह से ये वैसे मॉडल कॉम्बैक करेक्टर से पता चलता है कि एक क्रॉस ओवर है, ये भी एक तरह से छोटा सा क्रॉस ओवर। इसमें स्क्रॉपियन है पर फाइटिंग गेम फॉर DC जस्टिस लीग्स गेम और अदर विलन्स। पर ये गेम बहुत अच्छी है, इसकी फाइटिंग कॉम्बोस अल्टीमेट अटैक और यहाँ तक कि बैटमैन कस्टमाइज भी और सब हीरो से कस्टमाइज काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि इसके ऊपर कॉमिक भी इनजस्टिस के ऊपर आप चाहो तो कहीं भी जाके यूट्यूब में देख सकते हो या पढ़ भी सकते हो अगर आपको मिल जाए तो। स्टोरी काफ़ी अच्छी है पर गेम प्ले काफ़ी अच्छा हो, 3D वाला गेम है, 3D इफेक्ट, और PS3 में रिलीज़ हुई थी तो PS3 एंड PC और Xbox 360 में अवेलेबल है, PC में अवेलेबल है, पर PC में 15 GB का पड़ता है लगभग और PS3 में लगभग 8 GB का। और इसके दो वर्जन, एक है सिंपल एक है अल्टीमेट एडिशन। तो अल्टीमेट एडिशन काफ़ी अच्छा है, और मैं अगर कहो तो कि अल्टीमेट एडिशन लेना चाहिए या फिर नॉर्मल में, तो अल्टीमेट एडिशन लेना चाहिए दोस्तों। हालांकि गेम अच्छी है अगर PC के साथ देखा जाए तो। PS3 का एमुलेटर चलाने के लिए आपको चाहिए थोड़े ग्राफिक और रैम भी ज़्यादा चाहिए, पर इसके अलावा अगर आप PC में लेना चाहें तो PC में लो PC में 2 GB रैम में चल जाता है इजीली, और थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है नॉर्मली, मैं ग्राफिक कार्ड में चल जाता है और अच्छी खासा चल जाता है, क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, उस हिसाब से गेम काफ़ी अच्छी चलते हैं। यानी मार्वल वर्सेस कैपकॉम के मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगभग उसमें चल जाता है। गेम काफ़ी अच्छी है, ग्राफिक्स और उसमें जोकर और उसमें मल्टीप्लेयर ऑप्शन भी है और ऑनलाइन गेम भी है। हालांकि पर देखो तो सही तरह 3D इफेक्ट के साथ है, बिल्कुल 3D और हालांकि मूवी वाले इफेक्ट। हालांकि बैटमैन के कस्टमाइज काफ़ी अलग अलग है, सुपरमैन के भी काफ़ी अलग अलग है। और ये गेम बेस्ट है इनजस्टिस 2 के हिसाब से मेरे ख्याल से, अल्टीमेट अटैक भी काफ़ी रियलिस्टिक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। इनजस्टिस कोड अमंग अस था, और ये हाल गेम प्ले आप नहीं देख सकते, पर फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। और हाँ, इस गेम में नए करेक्टर्स में करेक्टर जस्टिस लीग के पूरे नहीं है, पर फिर भी काफ़ी करेक्टर है, तो फिर जितने करेक्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं, फाइटिंग मूव्स और कॉम्बोज यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, और जब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को।